आप गिरवी रख रहे हैं, बंधक रख रहे हैं, रखिए आप जानिए, लेकिन बिहार को गिरवी रखना चाहिएगा 2005 के पहले वालों के हाथ, तो बिहार को हम गिरवी नहीं रखने देंगे। हम लोगों ने वही संकल्प लिया और उनको बता दिया, बता दिया। बिहार को हम किसी ऐसे नेता के हाथ में नहीं दे सकते हैं जो बिहार को पूरी तरीके से खत्म कर दे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ये हमारा कहना नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ यात्रा पर निकले हैं और यात्रा के दौरान वो गया जिला पहुंचे। गया जिला पहुंचने के साथ उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही कि जो बिहार 2005 से पहले थी, अगर वो बिहार अभी आ जाएगी तो हम बिहार को पूरी तरीके से खो देंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो गिरवी रखनी है वो रखे, जो काम करना है करे, लेकिन हम हर हाल में किसी भी कीमत पे बिहार को आरजेडी को नहीं सौंपने देंगे। अगर बिहार आरजेडी के हाथ में चली गई, अगर इनकी सरकार पूरी तरीके से बिहार में आ गई, तो जो 2005 में जो घटनाएं बिहार में होती थी वो वापस से बिहार में होने लगेगी। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा बिहार बचाओ को लेकर कह रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। आप गिरवी रख रहे हैं, बंधक रख रहे हैं, रखिए आप जानिए, लेकिन बिहार को गिरवी रखना चाहिएगा 2005 के पहले वालों के हाथ, तो बिहार को हम गिरवी नहीं रखने देंगे। हम लोगों ने वही संकल्प लिया और उनको बता दिया कि 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को हम नहीं जाने देंगे। और हम आपसे यही कहने आए हैं कि हम लोगों का जो संकल्प है, किस संकल्प को पूरा करना है, यही मकसद हमारा इस यात्रा का, और संकल्प को पूरा करना है तो आपके सहयोग के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना यह काम संभव नहीं है। और इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, हम जहां बाबा दशरथ मांझी साहब से आशीर्वाद मांगने आए हैं, वही आपसे भी आग्रह करने आए हैं, आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए ताकि बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में जाने से बचाया जा सके। यह आप सब लोगों से आग्रह करता हूं। भाई और मित्रों, यदि आप सब लोगों ने ताकत दी तो न सिर्फ बिहार को वहां जाने से बचाएंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को बनाने का भी काम करेंगे। बिहार किसी भी सूरत पर पीछे नहीं जाएगा, बिहार आगे जाएगा, इस बात के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। तो यही आग्रह आप सब लोगों से है कि सब लोग मिलकर के ताकत दीजिए। जिस जाति के लोग हैं, जिस धर्म के लोग हैं, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। आपकी ताकत के बदौलत निश्चित रूप से हम सब लोग कामयाबी हासिल करेंगे। जरूर ताकत दीजिएगा, बिहार बचेगा भी, बिहार आगे बढ़ेगा भी। तो यही नहीं, तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जब सरकार 2005 में थी तो बिहार की आपने स्थिति देखी थी, किस तरीके से लोग डरे सहमे से हुआ करते थे, और आज 2005 के बाद बिहार की एक अलग ही स्थिति देखने को मिली है और वापस से हम बिहार को 2005 में नहीं ढकेल सकते हैं। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।